हम जा रहे हैं अयोध्या से श्रीलंका। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने दर्शन किए श्री हनुमानगढ़ी मंदिर और पहुंचे हम भगवान शालिग्राम कार्यालय और नए राम मंदिर के निर्माण शाला में। हम हैं इस वक्त दशरथ महल में। क्या श्री राम यही जन्मे हैं? माना तो यही जाता है कि यही दशरथ जी का महल था और इसी जगह पे ये जो अभी बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये इसी जगह पे 18वीं शती या 10वीं शताब्दी के बीच कहीं बनाया गया है। हम तो यही मानेंगे कि राम जी का जन्म इसी महल में हुआ था, यहीं पे उनका बचपन गुजरा था। चलिए देखते हैं अंदर जाके दशरथ महल में क्या क्या है। दशरथ महल के मंदिर में श्री राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियां लगी हुई हैं। इस महल की विशेषता इसकी शानदार वास्तुकला और जटिल विवरण है। इस संरचना में आश्चर्यजनक गुंबद, जटिल नकाशी और सुंदर मेहराब है। रामकोट में स्थित महाराज दशरथ महल को बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या नगरी के बीचों बीच स्थित है ये महल। जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, ये सारी जगहें बहुत ही आसपास है। आप पैदल या ई रिक्शा लेकर इन सारी जगहों में जा सकते हैं। बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, इसलिए आपकी फोर व्हीलर गाड़ी यहां अलाउड नहीं होगी। बोलो जय श्री राम। यहां पर भी पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। श्री हनुमानगढ़ी मंदिर से सिर्फ 50 मीटर दूरी में आपको मिलेगा दशरथ महल और बस 10 मीटर दूरी में कनक भवन और लगभग 1 किलोमीटर दूर है जहां नए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्रभु श्री सीताराम जी काटो कठिन कलेश, कनक भवन के द्वार पे परे ओ दीन राजे। मैं खड़ी हूँ अभी कनक भवन के सामने। ऐसा माना जाता है कि ये भवन देवी कैकेयी ने सीता जी को गिफ्ट किया था। ये सीता जी और राम जी का पर्सनल भवन भी माना जाता है, जिसे विक्रमादित्य जी ने रेनोवेट कराया। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट द सेम जो एक्चुअली में दिया होगा, पर स्थान वही है। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो।
मान्यताओं के अनुसार मूल कनक भवन के टूट फूट जाने के बाद द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जी द्वारा इसे पुनः निर्मित किया गया। माना जाता है कि मध्य काल में इसे विक्रमादित्य जी ने इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया। बाद में इसे ओरछा की रानी वृषभानु कुमारी द्वारा पुनः निर्मित किया गया, जो आज भी उपस्थित है। गर्भगृह में स्थापित मुख्य मूर्तियां भगवान राम और देवी सीता जी की है। द्वार सुहावे छटा मनोहर मोहे मन भावे, सुदर सोपान सो द्वार सुहावे छटा मनोहर मोहे मन भावे, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो कनक भवन। एक बात हमें यहाँ पता चली अयोध्या आकर कि कनक भवन में आज भी भगवान राम आते हैं संध्या के समय जी, और वो वहीं अपनी रात बिताते हैं और दिन के समय वो ओरछा जाते हैं जी। तो ओरछा भी हम जाकर आए हैं, हमें ये पता चला किस तरीके से वहाँ की रानी श्री राम को अपने साथ लेके गई थी जी, वो सब। तो आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? जरूर कहेंगे। हाँ जी, रानी वृषभानु कुमारी जी यहाँ पर भगवान के लिए आई थी। जब भगवान का दर्शन हुआ उनको, और तो उनकी इच्छा हुई कि भगवान बैठे हुए रूप में विराजित हों। तो जो कनक भवन में छोटे सरकार बगल में हैं, वही सबसे पुराने कनक बिहारी सरकार हैं, पुराने भगवान हैं, उस समय के विराजे हुए हैं। और भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो कहे कि जाइए आप, जैसा मन करे वैसा कर ले। तो फिर उन्होंने बैठे हुए विग्रह बनवाया कारीगरों से जयपुर में। फिर वो ठाकुर जी इतने सुंदर बने कि दोबारा वो कारीगर बनाना चाहो इतना सुंदर बने नहीं। तो ठाकुर जी बैठे हुए हैं, कि आप खड़े रहते हैं अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए बैठे हुए विग्रह हैं। और किशोरी जी खड़ी हुई हैं, माँ जानकी उसमें खड़ी हैं, केवल कपड़े लगा दिए हैं सिंगार में कि लगता है बैठी हैं, लेकिन जब वो अक्षय तृतीया के दिन जब अभिषेक होता है तो बिल्कुल वो खड़ी है। अच्छा। केवल भगवान राम ही बैठे हुए हैं, राजा हैं। और कनक भवन का एक और है कि यहाँ पर भगवान का जैसे अपना पर्सनल बेडरूम है, भगवान का अपना कनक महल महारानी की कह के इतना मानती थी कि माँ जानकी के मुंह दिखाई में बहू नया आती तो उसके लोग प्रथम बार मुंह देखते हैं तो कुछ उसको देते हैं उपहार में। तो उन्होंने सोने का महल बनवा करके दिया था। तो भगवान का पर्सनल बेडरूम है, इसलिए वहाँ पर किसी और देवी देवताओं का प्रवेश नहीं है, जो भी जाएगा सखी रूप में जाएगा वहाँ पर। इसलिए श्री सीताराम जी का विग्रह है, हनुमान जी बाहर आंगन में हैं, और हनुमान जी तो भगवान के सेवक ही हैं, सखी रूप में भगवान की सेवा के तमाम रसिक संतों ने ऐसा कहा है कि सखियां भगवान की सहचरियां सेवा करती हैं। रही बात तो भगवान यहाँ रहते हैं शाम को, फिर वहाँ सुबह ओरछा चले जाते हैं। महारानी ने ऐसा मांगा था तो कहे, लेकिन भगवान राम अयोध्या छोड़ के कहाँ जाएं, उनकी तो नगरी है अवध प्री पुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। भगवान ने अपने मुख से कहा है कि अवधपुरी से प्रिय मुझे यहाँ कोई है ही नहीं, अति प्रिय मोह यहाँ के बासी, राम धामदा पुरी सुखराशी। ये जो पुरी है सुखराश सुखों की रास है, यहाँ सुख 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 ही सुख है और मुझे अत्यंत प्रिय है यहाँ के वासी, यहाँ के लोग और अयोध्यापुरी। तो भगवान अयोध्या छोड़ के अनंत रूप धारण कर एक रूप में चले गए, लेकिन अयोध्या छोड़ के वो कहाँ जाएंगे। और जिसको मानना है माने, भक्त जैसा मानेगा वैसा भगवान होते हैं, लेकिन भगवान सीमित नहीं है, वो सर्वव्यापक है, हजारों उनके रूप हैं। विराट स्वरूप में देखिए कितने रूप दिखा रहे हैं, अनेकों अवतार हैं उनके, वो अनंत हैं। वो आया है, शास्त्रों में कहा गया है कि सचेतना चेतन रमयितित्वम श्री रमयितित्वम च उभय लिंगत्वम सर्व प्राप्तत्वम सर्वव्यापकत्वम सर्वविधु बंधुत्वम उभय विभूति नायकत्वम सत्यानंद चिद रूपत्वम च प्रतिपादते। परमात्मा सीमित नहीं है, राम कैसे हैं, सचेतना चेतन, चेतन और अचेतन दोनों में रहते हैं। यदि चेतन में रहते अचेतन में नहीं रहते तो उनकी सर्वव्यापकता कैसे होती कैसे होती। भगवान सर्वव्यापक हैं, जल में भी हैं, थल में भी हैं, खम्भे में थे तो खम्भे को फोड़ करके निकले, भगवान कैसे निकल गए प्रहलाद के लिए खम्भे से।
तो उनकी सर्वव्यापकता है ना, तो भगवान सब जगह हैं और एक रूप में ओरछा रहते हैं, एक रूप में अयोध्या। अयोध्या क्यों छोड़ेंगे राम जी? अयोध्या तो उनका धाम है, साकेत उनका धाम है। अयोध्या को ही साकेत कहते हैं, अयोध्या कहते हैं कौशल कहते हैं, अयोध्या रामपुरी कहते हैं। तो अयोध्या भगवान का धाम है, पर भगवान को भक्त जहाँ भी प्रतिष्ठित कर देगा वहाँ एक रूप में रहते ही हैं। हनुमान जी के हजारों मंदिर हैं, राम जी के हर मंदिर भगवान है। भगवान सब कहते हैं भक्त की हमारे भगवान इसमें विराजमान है। तो उनकी अनंतता को दिखाता है कि भगवान अनंत है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा वेद में कहा गया है, सहस्त्राक्ष हजारों नेत्र हैं, हजारों मुख हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पाँव हैं। तो इसका मतलब एक हजार मुख है तो एक आदमी को दो आँख होता है तो दो हजार, ऐसा नहीं है। वो अनंत का द्योतक है, माने भगवान अनंत रूप में। तो राम जी ग्राह हैं, भक्त जैसे भी उनको स्वीकार करें। श्री राम और उनकी लीला अपरंपार है, उनकी कीर्तिमान युगो युगांतर, जब तक पृथ्वी है तब तक रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और रामलीला के साथ। हाँ जी, आपने सही सुना, मैंने वही कहा, रामलीला अयोध्या का, अयोध्या का रामलीला। सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत।